कि हनुमान जी का विवाह कैसे हुआ। तो आइए श्रोताओं, आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो बहुत रोचक है। संकट मोचन। हनुमान जी के बाल ब्रह्म रूप से सभी परिचित हैं। उन्हें बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? तेलंगाना के खम्मन जिले में हनुमान जी का एक मंदिर है, जहां हनुमान जी गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी स्वर्चला के साथ विराजमान है। यहां दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। दरअसल हनुमान जी ने विशेष परिस्थितियों के कारण वह विवाह क्यों किया था, तो आइए श्रोताओं आपको बताते हैं हनुमान जी का विवाह किसके साथ हुआ था और क्यों। हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु माना था, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य की रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देती थी और उन्होंने सूर्य देव से नौ विद्याएं प्राप्त करने का निश्चय किया था। सूर्य देवता ने नौ प्रमुख विद्याओं में से हनुमान जी को पांच विद्याएं सिखा दी थीं, लेकिन बाकी चार विद्याएं को सिखाने के समय एक बाधा उत्पन्न हो गई थी। हनुमान जी ने विवाह नहीं किया था। उन चार विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना जरूरी है। तब हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ने उनसे विवाह करने के लिए कहा। अपने गुरु की आज्ञा से हनुमान जी ने विवाह करने का निश्चय किया। तब सूर्य देव ने अपनी ही परम तेजस्वी पुत्री स्वर्चला से हनुमान को शादी करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद हनुमान जी और स्वर्चला का विवाह संपन्न हुआ। स्वर्चला परम तेजस्वी थी। विवाह के बाद स्वर्चला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई थी, तो वही हनुमान जी भी अपनी बाकी चार विद्याओं के ज्ञान को प्राप्त करने में लग गए थे। इस प्रकार विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचार्य व्रत नहीं टूटा। तो श्रोताओं, हनुमान जी का विवाह इस प्रकार हुआ था। तो श्रोताओं, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास एक छोटा सा बटन होता है, उसे भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।